हाय फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी शुभ अवसर पर मैं बनाने जा रही हूँ आप सब दाना के स्नैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाने का नाश्ता बनाने के लिए हम आधा कप साबूदाना ले लिए हैं। साबूदाना आप कोई भी ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। उसको एक मिक्सी जार में हम डाल के पीस लेंगे। साबूदाने को हम पीस लिए हैं, एकदम चावल का आटा जैसा रहता है उस तरह से हो गया है। देखिए, अब इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ आलू। आलू को हम इसलिए काट के पानी में रखे हैं ताकि ये काला नहीं पड़ जाए। तो इसमें डाल देते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम जितना साबूदाना डाले थे उतना पानी डाल देते हैं और इसे हम पीस लेंगे। साबूदाना पीस के तैयार हो गया है। अब साबूदाने को हम इस बॉल में निकाल लेंगे। साबूदाने को हम एक बॉल में निकाल लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। व्रत के लिए बना रहे हैं तो व्रत वाले ही नमक डालेंगे। अगर जो आप ऐसे बना रहे हैं तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, जो रोज यूज करते हैं। स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक। करी पत्ता काट के डाल देते हैं। अगर जो आपके पास है तो आप जरूर डालिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च। अगर जो लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो इसके जगह आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट के। अब इन सभी चीजों को हम मिला लेंगे। आप व्रत के दिनों में यह नाश्ता हर दिन खा सकते हैं। अच्छी तरह देखिए सारा सामान मिल गया है और टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब हम चढ़ा दिए कढ़ाई और इसमें रिफाइंड डाल दिए हैं। चाहे तो आप इसे घी में भी तल सकते हैं। जैसे आप पकौड़े तलते हैं उसी तरह से इसको इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए डाल देना। आंच को मीडियम रखेंगे ताकि ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाए और अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। अब हम इसे चारों तरफ से कुरकुरा होने तक तल लेते हैं। इसी तरह से देखिए क्रिस्पी हो गए हैं। आवाज से ही पता लग रहा होगा आपको। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। कितना क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। इस नाश्ते को चाय के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा बना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।